नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MPPSC स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं ईश्वर अजमेरिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MPPSC UPSC मेंस 3 मार्क सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं मैं आपके सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लैक होल घटना। अंग्रेज हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 की रात को 146 अंग्रेजी कैदी एक छोटे से कमरे में बंद कर दिए गए थे, जिनमें सिर्फ 23 ही जीवित बचे थे तथा शेष दम घुटने से मर गए थे। इतिहास में यह घटना ब्लैक होल घटना के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट, सिविल सेवा। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। सिविल सेवा प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, 1923 में यह भारत में होने लगी। प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्र नाथ टैगोर जो 1863 में बने। नेक्स्ट, प्रारंभ में परीक्षा की आयु 23 वर्ष थी, जिसे लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था और अभी वर्तमान में इसका एज 21 है। नेक्स्ट, तार एवं रेल। डलहौजी ने तार तथा रेल विभाग को अत्यंत महत्व दिया। उसने रेलों के निर्माण के संबंध में अंग्रेजी निगमों के साथ ठेकों का निश्चय किया। उसके काल में भारत में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे व दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। डलहौजी के ही काल में प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधी सुधार। 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, डलहौजी के समय में पारित हुआ। इस योजना के तहत जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर एक स्कूल प्रमुख, नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 3 प्रेसिडेंसियों कलकत्ता मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर स्थापित किए गए। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन जो ऐतिहासिक घटना का महत्वपूर्ण कदम है ये। तो बंगाल विभाजन राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाने व कमज़ोर करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। बंगाल को 2 भागों में बांटा। पूर्वी बंगाल तथा असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें पुराने बंगाल के 15 जिलों को असम तथा चिटगांव को मिला दिया गया। कर्जन का यह विभाजन फूट डालो और राज करो की नीति पर आधारित था। कर्जन के द्वारा हिंदू और मुसलमानों में मतभेद करने का प्रयत्न किया गया इस बंगाल विभाजन के द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली दरबार का आयोजन। अकाल की भयानक स्थिति के बाद दिल्ली में 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सन 1878 में इस अधिनियम द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किया गया था। इस अधिनियम को गलागोट अधिनियम भी कहा जाता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। लॉर्ड रिपन ने अपने सुधार कार्यों के तहत सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट, राज उपाधि अधिनियम। लॉर्ड लिटन के काल में अंग्रेजी संसद ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि देने के लिए राज उपाधि अधिनियम 1876 को पारित किया गया। सो थैंक्स फ्रेंड, आज हमने MPPSC मेंस सीरीज़ में 3 मार्क्स सीरीज़ में ये वीडियो
देखा ऐसे ही वीडियो में और लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।